तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की द ओनली सॉलिड कंसिस्टेंट एंड नॉट डिसअपॉइंटिंग शो इन रेसलिंग राइट नाउ। मैं बोलना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे हफ्ते ऐसे हो गए हैं और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जब हम बोले यार आज की स्मैकडाउन ना कुछ खास नहीं थी, मजा नहीं आया। ये चीज मैंने रॉ के साथ तो ऑब्वियसली बोली है, डायनामाइट के साथ बोली है, रैम्पेज के साथ बोली है और बाकी सारे शोज में हमने बात करी है, एनएक्सटी में करी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि स्मैकडाउन एक भी पॉइंट पे हमें डिसअपॉइंट कर रही है। जितना भी क्रेडिट है इस टाइम पे, आई डोंट नो कौन इसके पीछे है, विंस मैकमैन, ब्रूस प्रिचर्ड क्या कर रहा है, कौन, पॉल हेमन, रोमन रेंस, क्या ये लोग खुद ही अपना शो बुक कर रहे हैं, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, क्योंकि जो भी कर रहा है उसको क्रेडिट डेफिनेटली जाना चाहिए। और क्या कमाल का स्मैकडाउन का शो हमें हर हफ्ते देखने को मिल रहा है। आज के शो के बारे में हम बात करेंगे, भाई बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक तरफ WWE चैंपियन, एक तरफ है यूनिवर्सल चैंपियन और ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज के लिए जो सीड्स है वो WWE ने बोनी स्टार्ट कर दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं शो को, द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, और वो रिंग में आके ऑब्वियसली क्राउड को कहते हैं भाई मुझे एक्नॉलेज करो, लेकिन उनको बू हो रही होती है तो वो पॉल हेमन को माइक पकड़ा देते हैं और पॉल हेमन सिंपल सी बात करते हैं कि हर एक बंदा रोमन रेंस से डरता है, अब भले ही वो बीस्ट हो, भले ही वो एज हो या फिर भले ही वो कोई डीमन हो। वो कहते हैं कि फिन बैलर को रोमन रेंस ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद उसको डीमन लाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए क्योंकि वो रोमन रेंस से डरता है। वो कहते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर ब्रॉक लेसनर को मैंने उनकी फैमिली से ज्यादा जाना है और इतना डरा हुआ मैंने कभी उनको नहीं देखा है, द बीस्ट ऑल्सो फियर्स रोमन रेंस। और यहां पे वो रोमन की तारीफें कर रहे होते हैं और फाइनली गाइस यहां पे बाहर आ जाते हैं बिग ई और आउट ऑफ नो वेयर वो आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एक मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है, स्मैकडाउन के नहीं है, द न्यू WWE चैंपियन, और वो आके यूनिवर्सल चैंपियन को कन्फ्रंट भी करते हैं। मुझे लग रहा था कि वो यहाँ पे कुछ बात बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन में होता है और उसके बाद बाहर आ जाते हैं फिन बैलर अपने नॉर्मल पर्सोना में और इन दोनों का मैच होता है अगेंस्ट द उसोज, जहां पे बैलर और बिग ई ने गाइस हरा दिया उसोज को, एक डिसेंट मैच था। लेकिन एक मेन चीज जो WWE ने मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस कर दी है वो है द उसोज एंड रोमन रेंस, यानी कि द ब्लड लाइन अगेंस्ट बिग ई, जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन, यानी कि द न्यू डे। हम सोच रहे थे कि ये मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन WWE उसके लिए शायद वेट नहीं करना चाहती और मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। इसकी वजह से रॉ की एक्साइटमेंट भी डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि मैच शायद एक एक्चुअल रिजल्ट में ना हो और उसके बाद हमें सर्वाइवर सीरीज में मैच देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो जैसे ही ये मैच खत्म होता है, बैकस्टेज रोमन रेंस बैठे होते हैं पॉल हेमन के साथ और वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे। तो पॉल हेमन बार बार मना करते हैं, एक्टिंग काफी कमाल की थी यहाँ पे पॉल हेमन की, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं चलो मान लेते हैं कि कोई चीज मुझे पहले से ही पता है, तुम मुझे फिर से बताओ। तो वो एक बार फिर से वही बात बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से डरता है। रोमन रेंस पूछते हैं पॉल हेमन से कि क्या ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में आएगा और सेकंड से पहले पॉल हेमन कह देते हैं नो। तो रोमन कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो पॉल हेमन कहते हैं कि भाई वो इतना डरता है तुमसे कि वो आखिर क्यों एक्सट्रीम रूल्स में आएगा। तो रोमन रेंस कहते हैं भाई मैं तुम्हारी ना प्रिडिक्शंस पे डिपेंड नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें पैसा इसलिए दिया ताकि तुम एडवांस में मुझे आके बता सको कि आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे सेगमेंट खत्म हो जाती है। तो रोमन रेंस अभी जबकि पॉल हेमन को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं और पॉल हेमन के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो अभी कोई भी नहीं जानता। इसके बाद शो में हमें एक इंटरव्यू भी देखने को मिलती है पॉल हेमन की, जहां पे केला ब्रैक्सटन बोलते हैं कि उनके सोर्सेज ने उन्हें बताया है कि ड्राफ्ट जो आने वाला है अगले महीने उसमें ब्रॉक चले जाएंगे गाइस मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो पॉल हेमन सुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं भाई केला तुम्हारे कोई सोर्सेज नहीं है, तुम फालतू मुझे आगे पोक करने की कोशिश करती हो ताकि कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे तुम निकलवा सको। और जैसे पॉल हेमन यहां से खुंदक में पीछे मुड़ते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं भाई बिग ई। तो पॉल हेमन का दिन एक बार फिर से बहुत बेकार गया और बिग ई यहां पे भाई हंसने लग जाते हैं, देखो भाई मेरे पास टाइटल है, तुम क्या सोच रहे हो अब। और पॉल हेमन कहते हैं भाई सही किया तुमने, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन तुम भी ये बात जानते हो कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के अगेंस्ट तुम सक्सेसफुली नहीं कैश इन कर पाते, तो तुमने एक ऐसा चैंपियन चुना जिसको तुम हरा पाओ। और बिग ई कहते हैं भाई ये कोई बात नहीं हुई, सर्वाइवर सीरीज में मेरा मैच होगा तुम्हारे बॉय रोमन रेंस या फिर क्या पता ब्रॉक लेसनर के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि डीमन बैलर तुम्हारे सारे प्लान्स को खराब करके
लें और मेरे साथ वो लड़ने आ जाए सर्वाइवर सीरीज में। और जैसे ही बेगी ये बोल के पीछे मुड़ते हैं, उनको पड़ती है सुपर किक उसोस की तरफ से और उनपे यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है। और फाइनली रोमन रेंज भी बाहर चलते हुए आते हैं और काफी खुश वो लग रहे थे। और जैसा कि मैंने बोला आपको, ब्लड लाइन और न्यू डे का मैच रॉ के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है और उसकी छोटी सी जो बिल्ड थी आज मुझे काफी पसंद आई। स्टोरी टेलिंग इज ऑसम और मुझे लग रहा है कि रोमन रेंज के साथ इस समय कोई भी कनेक्ट हो जाए उसका फायदा हो जाता है। सेम गोज फॉर द न्यू डे एंड बेगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस, तो रिक बूग्स का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट रॉबर्ट रूड, जो कि वो जीत गए। लेकिन मैच के बाद नाकामुरा और बूग्स को अटैक करने के लिए यहां पे आ जाते हैं अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज। और अपोलो ने नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर दिया नाकामुरा को फॉर अ रीमैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो वो देखना इंटरेस्टिंग है कि आपको लगता है टाइटल चेंज हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉर्बिन का मैच होने वाला होता है अगेंस्ट केविन ओवेंस, लेकिन हैप्पी बैरन कॉर्बिन मैच से पहले ओवेंस को अटैक कर देता है। तो ये गाइस कभी मैच हमें देखने को मिला नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं रिंग में गाइस, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और भाई क्या ही उनका कमाल का एक प्रोमो था। और मुझे नहीं लग रहा कि केटरिंग में किसी की भी रोटी फॉयल में पैक हुई थी, क्योंकि सारा फॉयल जो भी था केटरिंग में रॉलिंस ने इकट्ठा करा और अपने लिए एक कोट सूट बनवा लिया। मतलब क्या पहन के आए हुए थे रॉलिंस, हंसी आ रही थी देख के, चमक रहा था। इनफैक्ट लोग उसको यू लुक स्टूपिड भी उस पर कॉमेंट कर रहे थे। लेकिन जो लोग मेट गाला में पहन के आ रहे थे कुछ दिन पहले, उससे तो डेफिनेटली बेटर थी तब भी सेथ रॉलिंस की ड्रेस। तो यहाँ पे आके वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने जो भी चीज करी, लोग उनको कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मैंने एज को स्टॉम्प मार दिया। लेकिन एज ने जब मुझे समर स्लैम में हराया, एज ने मेरे ऊपर अटैक करा, तो क्या तब किसी ने कुछ बोला? रॉलिंस कहते हैं मैंने एक लिजिट मैच में एक लिजिट मूव, एक लीगल मूव यूज करा है और उसकी वजह से मैं यहाँ पे जीता हूँ, तो आखिर उसमें दिक्कत क्या है? तो रॉलिंस कहते हैं कि भाई तुम्हें जो बोलना है बोल लो, लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना है तो एज को करो कि आखिर वो क्यों आया रिंग में मेरे से लड़ने अपनी प्रॉब्लम जानते हुए भी, और फिर तुम अपने आप को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि तुम इतना ज्यादा चीख रहे हो। लेकिन रॉलिंस कहते हैं मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो अभी मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरी और एज की जो कहानी है वो अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एनएक्सटी के एपिसोड में बेथ फीनिक्स ने बात बोली कि एज घर पे बैठ के आराम कर रहा है, तो कहते हैं अगर एज घर पे है तो मोस्ट प्रॉबली वो इस शो को देख रहा है। तो एज तुम मेरी बात सुन लो, ये जो चीज है पूरी, ये दो तरीके से एंड हो सकती है। या तो इस पॉइंट पे मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें मारूं, और या फिर हम एक और बार डांस कर सकते हैं, एक और मैच लड़ सकते हैं इनसाइड द रिंग। और इस प्रोमो में रॉलिंस ने ये बात भी बोली कि अगर एज वापस आना चाहता है तो वो फिजिकली रेडी है, मोर इम्पॉर्टेंटली क्या वो इमोशनली रेडी है मेरे से लड़ने के लिए एक और मैच। तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रोमो बाय सेथ रॉलिंस एंड एज। एंड आई डोंट थिंक कि अभी मैं बोलूंगा कि यार एक और मैच इनके बीच में मत करो, बहुत खिंची हुई फ्यूड लग रही है, क्योंकि अभी भी एंटरटेनिंग लग रही है। आई थिंक WWE शायद इसको प्लान कर रही है, हो सकता है क्राउन ज्वेल में ही देखने को मिल जाए। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ महीने तक जो है वो एज आउट ऑफ एक्शन रह सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्या लगता है आपको किस पॉइंट पे इन दोनों का अगला मैच होगा गाइस, मुझे कॉमेंट्स में बताएं। इसके बाद गाइस हमें विमेंस का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो आई थिंक लास्ट वीक के लिए था पर कैंसिल कर दिया गया था। टोनी स्टॉर्म एंड लिव मॉर्गन अगेंस्ट कार्मेला एंड ज़ेलिना वेगा। और यहाँ पे कार्मेला की नाक पे चोट लग जाती है काउंट आउट से, वो वहां से भाग के चले जाते हैं, मैच वो हार जाते हैं। लेकिन लिव मॉर्गन ने कार्मेला को चैलेंज कर दिया यहाँ पे और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया एक्सट्रीम रूल्स के लिए। आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरी विमेंस डिवीजन पे? आई थिंक काफी वीक चल रहा है सब कुछ, उतना कुछ खास इसके अंदर इंटरेस्ट मेरा था नहीं। इसके बाद फिन बैलर का गाइज एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो आज हमें सुनने को मिला, जहां पे उन्होंने बताई इंपॉर्टेंस द डीमन बैलर की। वो कहते हैं कि देखो भाई, रोमन रेंस की तरह मेरे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है, मैं अपने बल पे WWE में यहां तक पहुंचा हूं और आज देख लो लोग मुझे कितना जानते हैं। और डीमन एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं बुलाता, डीमन मुझे बुलाता है, और जो एनर्जी वो मुझे देता है वो तुम्हें एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिल जाएगी। अभी इस समय तुम मेरा फिन बैलर का चेहरा देख रहे हो, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में तुम डीमन बैलर का चेहरा देखोगे और हो सकता है कि वो यूनिवर्सल चैंपियन ही बनके निकलेगा उस पेपर व्यू में। और काफी अच्छे ग्राफिक्स का यूज करके WWE ने यहाँ पे फिन बैलर को डीमन बैलर में कन्वर्ट कर दिया, वो गाइस देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तो फिन बैलर को स्ट्रांग दिखाया जा रहा है, लेकिन हो भी सकता है गाइस कि वो मैच को जीत जाए रोमन के अगेंस्ट, पर हम जानते हैं उसका चांस काफी ज्यादा कम है। इसके बाद सैमी ज़ेन का मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, और एक बार फिर से यहाँ पे स्ट्रगल था डोमिनिक का जीतने का और वो मैच को हार गए हैं। तो रे मिस्टीरियो को समझ नहीं आ रही मुझे अपने बेटे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और सैमी ज़ेन को बैक टू बैक विक्ट्रीज मिली जा रही है। और फाइनली गाइस इस शो के मेन इवेंट में हमें एक सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि नॉक्सविल काउंटी के मेयर केन जो है इस शो पे आए, अपीयर हुए, और ऑब्वियसली वो अपने क्राउड को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा भी बोल रहे थे। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं होम टाउन हीरो बियांका बेलेयर को,
और यहाँ पे वो जब बाहर आती है तो उनको क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था। वो सारे अपने टैक्टिक्स यूज करती हैं क्राउड को खुश करने के लिए। बहुत ज्यादा हॉट था क्राउड उनके लिए यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो खराब करने के लिए बाहर आ जाती है बेकी क्रिंज। क्योंकि मुझे लगता है कि रॉलिंस पे जबकि वो सारी चीजें चल रही है, कुछ भी पहन के आ जाओ, आई डोंट थिंक कि वो काम करता है बेकी लिंच के लिए। इस पे आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट से बताएं। लेकिन यहाँ पे आके बेकी कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है, देखो भाई समर स्लैम मेरी नाइट थी, मोस्ट प्रोबेबली एक्सट्रीम रूल्स भी मेरी नाइट होगी, लेकिन बियांका आज ये तुम्हारी नाइट है, तो उसके लिए मैं तुमसे हाथ मिलाने यहाँ पे आई हूँ। वो हाथ मिलाती है बियांका से, लेकिन हैंडशेक छूटता नहीं है। और यहाँ पे फिर बेकी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बियांका KOD लगाने की कोशिश करती है, वो भी नहीं होता। एंड फाइनली यहाँ पे द मैन स्लैम या फिर द रॉक बॉटम लगाती है बेकी लिंच ऑन बियांका बेलेयर, और ये शो इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो आई थिंक गाइस स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया था, रॉलिंस का प्रोमो अच्छा था, मैचेस अच्छे देखने को मिले, और विमेंस डिवीजन का वो टैग टीम मैच के अलावा आई थिंक सारी चीजें आज के शो पे मुझे ठीक लगी हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कमेंट्स में। स्मैकडाउन इज रियली गुड एट दिस मोमेंट, और सारी चीजें जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंज आने वाले हैं, इट विल बी अ कांट मिस शो, उसके लिए आप बने रहे चैनल पे, उसको भी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।